देखें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अक्सर हमें जो है वो एक टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलती है, एंड डैट इज़ पाइपलाइन इन्वेंट्रीज। पाइपलाइन इन्वेंट्री को जो है वो इन ट्रांजिट इन्वेंट्री भी कहा जाता है और पाइपलाइन स्टॉक भी कहा जाता है। बेसिकली पाइपलाइन इन्वेंट्री जो है वो आपकी इन्वेंट्री का वो पार्ट होती हैं जो कि इन ट्रांजिट होती हैं बिटवीन टू वेल डिफाइंड लोकेशंस। और ये टू वेल डिफाइंड लोकेशंस जो है वो फ्रॉम सप्लायर टू दी मैन्युफैक्चरर भी हो सकती हैं, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू दी डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकती हैं, या फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर टू दी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स भी जो है वो हो सकती हैं। सो बेसिकली पाइपलाइन इन्वेंट्रीज जो हैं वो एक तरह से यूँ समझ लें कि वो रस्ते में होती हैं, मीन्स फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ इनिशिएशन टू दी पॉइंट ऑफ यूज़ तक का जो सफ़र है उस सफ़र के दरमियान में जो है ये इन्वेंट्रीज जो है वो रन कर रही होती हैं। और पाइपलाइन इन्वेंट्रीज को जो है वो कैलकुलेट करने का ईजी फार्मूला है, एंड दैट इज़ योर डिमांड इन टू लीड टाइम। मिसाल के तौर पे अगरचे तो आपकी पर वीक डिमांड जो है वो किसी भी आइटम की जो है वो 200 यूनिट्स है और जो लीड टाइम है वो ऑलमोस्ट कोई 4 वीक्स का है, तो आप 4 वीक्स इंटू 200 जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट दी आंसर ऑफ 800। तो बेसिकली ये 800 ये शो करेगा कि आपकी जो पाइपलाइन इन्वेंट्रीज हैं उसके अंदर ये 800 यूनिट्स जो हैं वो होने चाहिए ताकि आप जो है वो अपने कस्टमर की डिमांड को भी जो है वो फुलफ़िल कर सकें और स्टॉक आउट की सिचुएशन भी जो है वो ना फेस करें।